नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक बहुत ही बड़ा संग्राम होने जा रहा है और सभी दोस्त इस समय बहुत ही शानदार एंजाइटी के अंदर हैं और आप सभी को ऐसा लग रहा है कि कल कैसा पेपर आएगा। उसी पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसी पेपर के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाने वाली है। माइसल बोझा कलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एसजीपीजे का एग्जाम है और परसों राजस्थान सीएचओ का एग्जाम है, यानी दो दिन लगातार अगर राजस्थान से बिलोंग बंदा कर रहा है तो उसके लिए लगातार दो एग्जाम है। लेकिन बात यह है कि एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को मिस भी कर पा रहे हैं, यानी बिल्कुल छोड़ भी देते हैं, तो ये सिचुएशंस बहुत सारे बच्चों के साथ बनी है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि कल का पेपर जो है एसजीपीजे का पेपर होने वाला है, तो सबसे पहले पेपर कैसा आएगा उसके बारे में बात करेंगे और पेपर देते वक्त आपको क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी के पास एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से पढ़ लिया है और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने ये भी सोच लिया है कि उसके अंदर जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है, यानी माइनस मार्किंग 1/3 यानी 1/3 यानी 1/3 रहने वाली। बहुत ही मैं इस बात को फोकस कर रहा हूं कि इस माइनस मार्किंग पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। कल का एग्जाम आपके लिए बहुत ही शानदार एग्जाम होगा और उस एग्जाम के अंदर आपको ध्यान रखना है, ज्यादा माइनस मार्किंग नहीं करनी है। कल का पेपर टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 60 क्वेश्चन नर्सिंग से आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग पार्ट से आने वाले हैं, जिसमें जीके आने वाला है, साथ ही साथ इंग्लिश आने वाली है, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग आने वाली है। लगभग अगर 40 क्वेश्चन वो आने वाले हैं और साथ ही साथ 60% क्वेश्चन आपके नर्सिंग के एप्टीट्यूड के नर्सिंग के कवर होने वाले हैं। तो ध्यान देना है कि 1/3 माइनस और साथ ही साथ 60-40 का रेशियो बहुत खतरनाक चीज हो सकती है, बहुत खतरनाक रेशियो है, बहुत ही शानदार। इसके अंदर मैं गारंटी ले सकता हूं कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो हमेशा कम रहने वाली होती है, हमेशा कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, बहुत हाई तक नहीं जाती है, क्योंकि ये पार्ट ही ऐसा ही है कि इसमें नर्सिंग में अगर टैलेंटेड है तो एप्टीट्यूड में कमजोर होगा, एप्टीट्यूड में टैलेंट है तो नर्सिंग के अंदर एक मिला जुला असर देखने को मिलता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको पेपर जब अटेंड करेंगे तो यह ध्यान देखा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। सबसे पहली बात, जब पहला अटेंड कर रहे होंगे आप, जब पहले टाइम और टाइम भी 2 आवर्स का ही है, ज्यादा 3 आवर्स वाला चक्कर नहीं है, 2 आवर्स का टाइमिंग है, 2 घंटे का टाइमिंग है और 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, साथ ही साथ 1/3 माइनस मार्किंग को आपको कवर करते हुए चलना है। ध्यान दें कि सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान दें कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसी क्वेश्चन पे आप फोकस्ड रहे। पहला एक बार जब पेपर आप 1 घंटे के अंदर पढ़ते हैं तो हमेशा जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में कंप्लीट करते जाए। उसके बाद ध्यान दें, कैलकुलेटिव रिस्क लें, कैलकुलेटिव रिस्क, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा धुआंधार पारी खेलें, नहीं, बिल्कुल गलती मत करना, बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है गलती। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो 60% अगर आपके सही हो रहे हैं तो ध्यान देखिए 40% जो आपके ऊपर बारी है या आगे की जो आपको पेपर करने की बारी आती है या रिस्क लेने की बारी है, वहां पे कैलकुलेटिव रिस्क ले। अगर आप लगता है कि 20 क्वेश्चन मुझे प्लस माइनस आ रहे हैं कि हाँ यार ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें से कैलकुलेटिव रिस्क ले, जिस पे आपको लगता है कि ज्यादा भरोसा है, ये क्वेश्चन मेरा सही होने के चांसेस है, उस क्वेश्चन पे आप ट्राई करें कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, उस पे थोड़ा सा रिस्क ले। और बात आती है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल आपसे अननोन है, बिल्कुल आपने पढ़ा भी नहीं, आपको उसके ऊपर 1% भी भरोसा नहीं कि मेरा सही जाएगा, उस क्वेश्चन पे तो बिल्कुल रिस्क ले ही नहीं, उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़े नमो नमो। क्योंकि कल आपको पता है कि महाशिवरात्रि है, बम बम भोले का नाम ले और आगे बढ़े, जय भोले करके आगे बढ़े, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको मरवा देगा, आपको 101% गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इस समय आपको ध्यान देना है कि इस समय अब जो रात्रिकालीन है, ज्यादा अपना दिमाग खपाए नहीं, आराम से जो टीएनसी ने आज आपको एक फ्री, जो सैटरडे का कल का पेपर था वो आज कर दिया, एसजीपीजे का पेपर कर दिया, उस पेपर को आराम से दें और आराम से ठंडे माइंड से आराम से सो जाएं, क्योंकि ऐसी गलती कभी नहीं करें कि हाँ मैं अब ज्यादा
पढ़ूंगा तो मुझे याद ज्यादा होगा, मैं मैथ रिवीजन कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, बिल्कुल छोड़ दें, अभी पढ़ाई छोड़ दें, बिल्कुल कूल माइंड से आराम से सो जाएं, आराम से सो जाएं और सुबह की जर्नी आराम से करें, क्योंकि फ्रेश माइंड से आपका पेपर और अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट के टाइम में रिवीजन कर लेते हैं, लेट नाइट पढ़ेंगे तो अच्छा पेपर जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पहले की पढ़ाई काम आती है, इमीडिएट पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, इमीडिएट पढ़ने से सिर्फ एंड सिर्फ यानी एरर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें, आप आराम से सो जाए, जो होना है वो हो चुका है, आपके माइंड में फिक्स हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हो चुके हैं कि सर अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड से बिल्कुल सारी चीजें साफ हो चुकी है, मुझे कुछ भी इस दिमाग में इस समय मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये ख्याल आना एक स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है, और इस समय ये ख्याल आ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमेशा हर बच्चे के साथ होता है, हमेशा हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होगा, ये होना ही है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, हमेशा ऐसा लगता है। एग्जाम से पहले हर बच्चे को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है और ये स्वाभाविक है, लेकिन जब एग्जाम में उसके सामने पेपर आता है तो सारे पुर्जे सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिक ओपन होने लगते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी सारी की सारी मेमोरी बड़े ही स्ट्रांगनेस के साथ काम करने लगती है। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये कभी नहीं सोचे कि मुझे आता नहीं है, मैं बोलता हूं आपको सब कुछ आता है, तभी आपको ऐसा फील आ रहा है, वरना जिसको अगर नहीं आता है वो तो बिंदास होकर आराम से सो रहा होगा। अगर आपकी ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो था आज का एक छोटा सा सजेशन आप सभी के लिए, और लास्ट मेरी एक ही बात जो सजेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं कि वो सजेशन ये कि सही समय पर अपने सेंटर पे पहुंच जाए, जिससे आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भागा दौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठ के ऐसी जो गलतियां करते हैं, एक एट ए टाइम एक घंटे से पहले रवाना होते हैं और सेंटर पे बहुत लेट पहुंचते हैं। ऐसी गलती नहीं करें, आप कहीं पे भी अभी ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं या कहीं पे भी है, इस समय आप प्रॉपर जब अपना जो आपका सेंटर है वहां सेंटर पे आप टाइम पे रात में भी पहुंच जाए और वहां के अगल बगल में कोई भी होटल या कुछ भी लेके आराम से रहे, सुबह टाइम पे एक घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे उस समय आपको ये भी सजेस्ट कर रहे होंगे कि यार इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये सारी चीजें वहां पे चलेगी, लेकिन उस समय अपने माइंड को स्थिर रखें, ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, अपने आप पे भरोसा करें, क्योंकि बगल में जो बोल रहा है उसका भरोसा बिल्कुल भी नहीं करें। एग्जाम हॉल में भी ऐसी गलती नहीं करें, कई बार ऐसी बार गलती होती है कि एग्जाम हॉल में हम सही करते हैं लेकिन बगल की बात सुन के हम उसको गलत कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलने वाली है। आप सफल होने वाले हैं और आपकी सफलता आपको ललकार के बुला रही है, जल्दी आइए, पेपर दीजिए और सफलता को ले जाइए। कंपटीशन इस बार मैं बोल रहा हूं कि बहुत ही कम है, लगभग 30,000 से 35,000 बच्चों ने इस शायद SGPGA के फॉर्म को डाला है, लगभग 30,000 से 35,000 का मैं एवरेज आंकड़ा लेके चल रहा हूं और लगभग पोस्टेड 900 के करीब है, तो इस बार इतना ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं रहने वाला है, आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और स्पेशली मैं बात करूं तो इस समय दो एग्जाम एक साथ तो बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को मिस भी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास इतने फोन कॉल आते हैं कि सर मैं ये एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं, वो एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं। तो जो SGPGA का एग्जाम दे रहा है उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से और पूरी TNC परिवार की तरफ से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।